व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो लेक्चर 4 में हम प्रॉपर्टीज यूज ही करेंगे और उसमें हमारे पास जो और क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है जो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट टेन इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बाय वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बाय जेड आर इज इक्वल टू पाई बाय टू, वेयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू क्या है, आर स्केयर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये हमारा आंसर क्या आएगा, पाई बाय टू के इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, बस हमारे पास ये हमारे पास एक्स का काम करेगा, ये काम करेगा वाई का, और ये हमारे पास काम करेगा जेड का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये टेन इनवर्स, इसको हम यहाँ पे अब सोल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहले लेते हैं इसकी LHS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स, देखो ये हमारे पास x है, तो फॉर्मूले में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड, जेड क्या है, एक्स वाई बाय जेड आर, और बाय में क्या है, वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई जेड बाय में एक्स आर, वाई जेड एक्स बाय में वाई आर, माइनस में क्या है, वाई जेड वाई जेड वाई और जेड, और माइनस में क्या है, जेड एक्स जेड एक्स। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ना, वाई से वाई कैंसिल हो गया और जेड से जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, अब इसका यहाँ पे बचेगा हमारे पास वाई एक्स, एक्स आर है बाय में वाई आर है जेड आर है, और यहाँ पे क्या है, आर क्यूब है। ठीक है, तो आप इसका सीधा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम से पहले एक बात चेक करते हैं, यहाँ पे वो क्या बचेगा, कुछ कट रहा है यहाँ पे, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर हमारे पास एलसीएम बाद में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये सोल्व करना बाकी है, एक्स वाई जेड आर माइनस में यहाँ पे क्या बच गया, एक्स वाई जेड बाय में आर का क्यूब है, और बाय में क्या हो जाएगा, देखो वन माइनस यहाँ पे जेड स्केयर है, यहाँ पे एक्स स्केयर और यहाँ पे वाई स्केयर है, तो जेड स्केयर बाय में आर स्केयर, एक्स स्केयर बाय में आर स्केयर, और माइनस वाई स्केयर बाय में आर स्केयर, ये हमारा बच गया। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो इसका यहाँ पे अब यूज होगा, देखो कैसे होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास हो गया टेन इनवर्स, ऊपर मत छेड़ो एज इट इज लिखो इसको इस स्टेप में। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ सेम यहाँ पे आ जाएगा, इसको करते हैं सोल्व, यहाँ पे देखो आर स्केयर सेम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्केयर माइनस में तीनों, तो माइनस बाहर लेके ये क्या बन जाएगा, जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, उसके बाद टेन इनवर्स, ऊपर हमारे तो भी था सेम चल रहा है, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमारे पास है आर स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आर स्केयर हो जाएगा, आर स्केयर माइनस आर स्केयर जीरो, जीरो बाय आर स्केयर क्या हो गया, जीरो।
ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स, किसी के बाय में जीरो तो वो होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि क्या होता है वो इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय टू पे, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय टू, बाहर टेन इनवर्स है अंदर टेंजेंट है, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय टू, और वही आपकी क्या थी आर एच एस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, क्वेश्चन में हमारे पास एक नया फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, बाकी कोई नई बात नहीं, वही सिंपल अपना सोल्व करना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसको मैं प्रूव करना है इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो सिंपल सी बात हमारे पास, टेन इनवर्स इसको हम एक्स बोल देंगे ना, माइनस टेन इनवर्स ये वाई बन जाएगा। तो यहां हमारे पास है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे सोल्व करेंगे, अपने आप आंसर आपका पाई बाय फोर आएगा अगर आप ठीक कर रहे हो तो, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, इसको आसान है बिल्कुल, एलएचएस लेंगे यहाँ पे। देखो क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक्स इंटू ये दिस हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स वाई यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वाई इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वेयर, बाय में एलसीएम तो सेम वही आएगा एक्स, एलसीएम तो सेम वही आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वाई इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, है ना, और ये एक्स इंटू क्या है एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब एलसीएम सेम है दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से प्लस माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, बाय में भी क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कैंसिल हो गया, क्या बच गया वन, बस आ गया आंसर आपका। वन कब होता है टेंजेंट पाई बाय फोर पे, तो आंसर क्या आया आपका पाई बाय फोर, और वही आपकी क्या थी आर एच एस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में है ना हमारे पास, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाओ और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या पूछता है आपसे कि यहाँ पे ना प्रूव की, यहाँ पे क्या सोल्ड डेट बोल देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आगे करेंगे हम, अगर यहाँ पे ना सोल्ड डेट और यहाँ पे फिर हमारे पास ना एक्स वाई नहीं मिलेगा, यहाँ हमारे पास खाली एक्स में इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ पे दे दिया एक्स, एक्स दे दिया यहाँ पे, यहाँ दे दिया एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर है, तो फिर यहाँ पे सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है फिर वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला वही लगा के इज इक्वल टू क्या चलता रहेगा हमारे पास पाई बाय फोर, इसको इधर भेज देंगे इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ये सारी इक्वेशन हमारे पास एक्स में बनेगी इज इक्वल टू वन, और उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो सोल्व करना हो तब भी सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रूव करना हो तब भी हमारे पास सीधा फॉर्मूला लगने वाला है, सोल्व में हमारे पास वेरिएबल एक ही मिलेगा, ठीक है, प्रूव में हमारे पास एक या दो हमारे पास यहाँ पे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव करना है कि कोस ऑफ टू टेन इनवर्स वन बाय सेवन इज इक्वल टू साइन ऑफ फोर टेन इनवर्स वन बाय थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एल एच एस हो रही है, हमारे पास आर एच एस है, तो करते हैं सोल्व इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ये हमारे पास देखो क्या है, टू अंदर है टू टेन इनवर्स वन बाय सेवन, ठीक है। अब बाहर कोस है, ये कैंसिल कब होगा जब अंदर इसी का इनवर्स आएगा, और मेरे को पता है कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तीनों की फॉर्म में होता है, टेन इनवर्स की भी, साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, ठीक है। तो कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, ये कोस इनवर्स
वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन में वन प्लस एक्स स्केयर, पता होगा सबको ये तो, साइन की फॉर्म में इसी का सेम क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्केयर, और टेन की फॉर्म में क्या होता है, टेन इनवर्स टू, यहाँ पे प्लस होता है साइन में और टेन में माइनस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मे हमारे पास किसके हैं, टू टेन इनवर्स एक्स के, तीनों फॉर्म में होते हैं, तो सीधी सी बात यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, कोस ऑफ, ये हो जाएगा कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस वन बाय फोर्टी नाइन अपॉन में वन प्लस वन बाय फोर्टी नाइन, ठीक है। इनवर्स से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, फोर्टी नाइन एल सीम आया, फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी एट बाय में फोर्टी नाइन, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 450 बाय में 49 कैंसिल हो गया, 48 बाय 50 कैंसिल हो रहा 2 से, क्या आएगा 24 बाय 25, ये आपकी आ गई LHS, ठीक है। अब हम लेंगे अपनी RHS, उसमें हमारे पास क्या है साइन, अब फॉर्मूला हमारे पास था 2 tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे 4 है ना, तो पहले एक बार इसको 2 अलग कर लो और इसको लिख लो 2 tan इनवर्स 1 बाय 3, अब इसको लेके आओ tan इनवर्स की फॉर्म में और उसके बाद फिर उसको साइन की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x क्या 1 बाय 3 अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास अब हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2 बाय 3, और ये कितना 9 माइनस 1 8 बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये अपना आप क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3 बाय 4, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बाहर साइन है, कब ये कैंसिल हो जाए, हमारे पास इसी फंक्शन में इनवर्स आ जाए, तो साइन इनवर्स 2x, x मतलब 3 बाय 4, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 16, ये कैंसिल हो गया इससे, 2 2 जा 4, तो ऊपर हमारा क्या बच गया 3 बाय 2, नीचे लिया एलसीएम तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25, तो कितना हो गया ये 16 बाय 25, 2 8 जा 16, क्या आंसर आ गया 24 बाय 25, और वही आपकी क्या आई थी यहाँ पे LHS, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूले का सारा सिस्टम बस वो आपको टिप्स पे हो जाएंगे चैप्टर पूरा होने के बाद, आप देखना आपको सारे फॉर्मूले आते मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है सोल्व करने क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री, यहाँ पे क्या करनी है सोल्व, मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स और यहाँ पे कोट इनवर्स है, ठीक है। अब ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं, दोनों तो हमारे पास ही होते हो, लेकिन इससे इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोनों के अंदर कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है पाई बाय टू, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ से ना किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, वहां से अपना आंसर आएगा। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास निकाले वैल्यू किसकी, टेन इनवर्स एक्स की, क्या हो जाएगी पाई बाय टू माइनस कोट इनवर्स एक्स, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, अब ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। सोल्व करना है ना, तो जो हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू है वो हमारे साथ में यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे प्लस का टू, तो प्लस का वन बच जाएगा, ये बच गया कोट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे जो पाई बाय टू है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे इतना आएगा इनको दोनों का सिक्स, टू टू जा फोर और ये थ्री पाई, तो ये हमारे पास बच गया
कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4π - 3π, पाई पाई बाय 6, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, तो कोट इनवर्स है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कोट पाई बाय 6, और कोट पाई बाय 6 आपको पता ही है कितना होता है, √3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इन क्वेश्चन में ध्यान से करना, सोल्व करना है तो वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें एक्स की। ठीक है, अब चलते हैं सही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, सोल्व करना है 2 tan inverse cos x = tan inverse 2 cosecant x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो tan inverse 2 cosecant x है, इसका तो फॉर्मूला हमारे पास होता है नहीं कुछ tan inverse x का, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x का, क्या होता है, tan inverse, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan inverse 2x यानी कि 2 cos x अपॉन में 1 - x² इज इक्वल टू tan inverse 2 cosecant x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है tan inverse और यहाँ पे भी क्या है tan inverse, अगर दोनों हमारे पास इक्वल टू में है तो उससे हमारा ये भी कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, दोनों सेम है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका आगे क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पॉसिबल है कैंसिल होना, तो इसे कैंसिल हो गया, अभी हमारे पास क्या बच गया, 2 cos x अपॉन में sin² x, और ये कितना बच गया, कोसेकेंट को होता है 1 by sin x है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब कोट एक्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, तो कितना हो जाएगा कोट पाई बाय 4, कोट है इधर, इधर भी कोट है, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोल्व करना है tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्वेश्चन कैसे किए थे कि इसको हमने थीटा मान लिया था इज इक्वल टू कोस थीटा, या फिर हमारे पास फॉर्मूला निकाले थे कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, इनवर्स एक्स की फॉर्म में 1 - x² का रूट अपॉन में एक्स। ठीक है, यही होती है ना, तो उस फॉर्मूले का जिसको मान लो किसी को फॉर्मूले याद नहीं रहते वो, ठीक है, तो देखो कैसे करना है यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है जिसमें हमारे पास साइन इनवर्स के एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स में क्या होती है, टेन इनवर्स में क्या होती है, वो फॉर्मूला याद नहीं हो, तो देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, उस केस में ना इसको स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा कि लेट, पहले हम लेंगे इसकी LHS, इक्वल बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेट यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, तो वहां से देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर लर्न है तो अच्छी बात है, सीधा वहां से आंसर आ जाएगा कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स 1 - x² का रूट अपॉन में एक्स। ठीक है, और वहां से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर वहां से आ जाएगा, लेकिन याद नहीं, देखो कैसे करेंगे फिर इसको, अब कोस की वैल्यू क्या होती है, हम रेशियो फॉर्म में बात करें, कोस हमारा होता है बी बाय एच, एच यहाँ पे क्या है 1, तो वहां से पहले हम पी निकाल लेंगे, पी क्या होता है एच का स्केयर माइनस बी का स्केयर का अंडर रूट, यहाँ पे हम लेते हैं प्लस में ही। ठीक है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 1 - x². ठीक है, अब हमें देखो टेंजेंट है बार है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी, अब पी की वैल्यू क्या आई है 1 - x² और बी की वैल्यू क्या आई है एक्स, वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 1 - x² बाय में एक्स, तो जिसको फॉर्मूलर नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ही आती सीधी फॉर्मूले से, अगर वो आपको लर नहीं है ना तो आप इसको पी बी एच की फॉर्म में निकाल के तब कर लो। ठीक है, अब जो ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या हमारे पास थीटा, और थीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, अब ये हम लेंगे RHS, अब जो कोट इनवर्स है ना 1/2, थीटा हमारा हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल चेंज कर लो, फाई मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो कोट फाई क्या हो जाएगा
वन बाय टू, ठीक है। अब कोट क्या होता है, बी बाय पी, है ना। तो वहां से हमारे पास एच निकाल लेंगे, एच क्या होता है, पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर का अंडर रूट, तो रूट फाइव आ जाएगा हमारा एच, एच प्लस में लेना यहाँ पे, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बाहर हमारे पास साइन था ना, तो हमें साइन की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, साइन वर्स की फॉर्म में चाहिएगी, तो साइन निकाल लेते हैं यहाँ पे, साइन फाइव। अब साइन क्या होता है, साइन थीटा या साइन फाइव, ये हमारा होता है पी बाय एच, ठीक है। पी कितना था हमारे पास यहाँ पे, टू, एच कितना था हमारे पास, रूट फाइव। तो वहां से फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स टू बाय अंडर रूट फाइव, ठीक है। बात वही है, फॉर्मूले लर्न है तब भी ठीक है, कौन से फॉर्मूले, जो आपकी प्रॉपर्टी लास्ट बने बताइए ना, लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें क्या है कि सीधा हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि कोस इनवर्स एक्स की क्या क्या वैल्यू होती है, टेन इनवर्स में, कोस में, साइन में, सिकेंड में, सब में दे रखी है, ठीक है। तो वो लर्न ना हो तो देखो, त्या मैंने अब तक ये डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब इसको हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइव की वैल्यू आ गई, अब लेंगे हमारे पास देखो ये एल एच एस इक्वल टू आर एस है ना, तो यहाँ पे लेंगे टेंजेंट थीटा, ये थीटा हमारे पास क्या आया, टेन इनवर्स, एक मिनट, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स इज इक्वल टू में था साइन ऑफ, इसको मैंने फाइव मानना था, और फाइव की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स टू बाय अंडर रूट फाइव, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इनवर्स सेकंड से दोनों, ये अब ये क्या हो गया हमारे पास, वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टू बाय रूट फाइव। अब जो है हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ए की वेरिएबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, टू का स्केयर फोर, रूट फाइव का स्केयर फाइव, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स स्केयर, इसको इधर ले जाओ, यानी कि नाइन एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव, एक्स स्केयर कितना आ जाएगा, फाइव बाय नाइन। तो वहां से फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट फाइव बाय थ्री, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, रूट फाइव बाय थ्री, ओके। यहाँ पे छोटी सी बात है एक, कि देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्केयर है ना यहाँ पे, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है आपका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा रूट फाइव बाय थ्री बुक के अंदर, ठीक है। तो क्यों मिलेगा वो ऐसा, देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू लेने से देखो ये कोस इनवर्स नेगेटिव होता है हमारे पास कब, ये होता है सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और कोट इनवर्स होता है नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिक्कत क्या हो जाएगी, कि दोनों का नेगेटिव लेने से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में दिक्कत आएगी, उसमें कोस इनवर्स नेगेटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है, ऐसी दिक्कत हमारे पास आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें कोस इनवर्स पॉजिटिव होता है और कोट नेगेटिव होता है, तो इसलिए इनके ना साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हमने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि उसमें है ना हमारे पास जो है ना कंडीशन क्वेश्चन की, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना, वैल्यू हमारे पास दो ही आएंगी प्लस माइनस की, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू में छोड़नी पड़ती है, वो कब की छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमें दोनों साइन सेम चाहिए, ठीक है, हर जगह पे, और हमारे पास अगर दोनों प्लस के होंगे ना तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें प्लस के आने से, तो दिक्कत हमारे पास माइनस में हो रही, माइनस में हमारे पास दिक्कत थी, तो इसलिए हमारे पास माइनस का वैल्यू छोड़ दी, तो इसलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोल्व करना है कि कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स थ्री बाय फोर, ठीक है। तो देखो जिसको फॉर्मूला याद है वो सीधा फॉर्मूला लगाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स में इक्वेशन बच जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है, समझ गए इतनी बात।
अब फॉर्मूला अगर नहीं है तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट किया था ऐसा ही करेंगे, पहले हम लेंगे यहाँ पे LHS और जो हमारे पास एंगल में है उसको हम क्या मान लेंगे थीटा, तो वहाँ से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आई एक्स, और टेन क्या होता है रेशो के हिसाब से पी बाय बी, बाय में कुछ नहीं इसका मतलब बाय में क्या है वन, तो वहाँ से हम एच निकाल लेंगे, एच क्या होता है पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी कि वन का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर का अंडर रूट, यहाँ पे हमें हमारे पास प्लस का ही लेना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या लेना है प्लस का। अब हमारे पास जो यहाँ पे था ना बार कोस था ना, तो हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू अंदर, तो कोस थीटा क्या होता है बी बाय एच, यानी कि वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्केयर, तो वहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। देखो सेम वही फॉर्मूला आ गया ना, जिसका फॉर्मूला लर्न है ठीक है, नहीं लर्न है कोई दिक्कत नहीं, पी बी एच से हम यहाँ पे निकाल लेंगे फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे, अब जो हमारे पास ये एल एच एस थीटा बन जाएगी ये हमारे पास बच गई, ठीक है, यानी कि कोस ऑफ कोस थीटा यानी कि कोस इनवर्स वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्केयर का रूट, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आपकी एल एच एस यहाँ पे बच गई, ठीक है। अब हम लेंगे आर एच एस, उसमें क्या है कोट की फॉर्म में था उसको फाई मान लेंगे, तो लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट लिखना मत बोलना, ठीक है, कोट इनवर्स थ्री बाय फोर इज इक्वल टू फाइव, तो वहां से कोट फाई क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर। अब कोट किसका रेशो होता है टेंजेंट का उल्टा होता है, पी बाय बी का उल्टा क्या हो जाएगा बी बाय पी, तो वहां से हम एच निकाल लेंगे, थ्री का स्केयर नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव आ जाएगा, एच फाइव आ गया। बाहर हमारे पास क्या था साइन था, तो यहाँ पे साइन इनवर्स मानेंगे साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो बाहर है उसी की वैल्यू निकाल लो साइन फाइव। अब साइन हमारे पास क्या होता है पी बाय एच, पी बाय एच मतलब फोर बाय फाइव, तो वहाँ से जो हमारे पास फाइव की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी साइन इनवर्स फोर बाय फाइव, है ना, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स फोर बाय फाइव, साइन ऑफ साइन इनवर्स फोर बाय फाइव, इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा फोर बाय फाइव, ये आपकी आ गई आर एच एस, दोनों आपस में इक्वल दे रखी हैं तो इक्वल पुट कर देंगे हमारे पास वन अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर बाय फाइव। अब बस कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्केयर, ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव, इसको इधर लेके जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन एक्स स्केयर, इसको इधर लेके आए माइनस का हो गया नाइन बच गया, यानी कि एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन बाय सिक्सटीन, तो वहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस थ्री बाय फोर। अब जो आंसर होगा वो प्लस का होगा माइनस का होगा वो देखना पड़ेगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो जो एंगल में है ना हमारे पास ये टेन इनवर्स और यहाँ पे क्या है कोट इनवर्स है, तो इसमें अच्छी बात क्या हमारे पास दोनों ही हमारे पास सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंडीशन जो है वो चाहे प्लस की वैल्यू आए तब भी दोनों सेम रहेंगी, साइन चेंज नहीं होंगे, अगर हमारे पास वैल्यू माइनस के तब भी हमारे पास सेम रहेगी, तो इसलिए आपका यहाँ पे दोनों कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सही आ रही है, तो आंसर आपका यहाँ पे इसमें आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। और जनरली हमारे पास क्या होता है अगर इसमें जैसे यहाँ पे होता है कोस होता है यहाँ पे कोट है, तो साइन में हमारे पास पॉजिटिव लेना है, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन आ जाए यहाँ पे आ जाए कोसिकेंट तब भी हमारे पास आंसर किस में आएगा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, तो ध्यान से करना। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर्मूले लर्न नहीं है ये वाले तो रेशो से कर लो पी बी एच निकाल के और तब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड लक।